नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। आईएसओ के गठन के बाद रेवाड़ी पहुंचे अर्जुन चौटाला, आईजीयू के विद्यार्थियों से मुलाकात की और समस्याएं जानी। आयाराम गयाराम वाले नेताओं पर होनी चाहिए कानूनी कार्रवाई। आप देख रहे हैं पल पल, रेवाड़ी से महेंद्र भारती की विशेष रिपोर्ट। इनेलो के छात्र संगठन आईएसओ के गठन के बाद में पहली बार रेवाड़ी पहुंचे आईएसओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन चौटाला। जिला के गाँव मीरपुर में स्थित इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की समस्याएँ जानने के लिए उनसे रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि आज आईएसओ से जुड़ करके हमें एक मजबूत संगठन का निर्माण करना होगा। छात्र छात्राओं की बहुत सारी समस्याएं होती है इन यूनिवर्सिटी में, जिससे सैकड़ों पढ़ाई भी बाधित होती है और सैकड़ों समस्याएं और ज़्यादा बढ़ती जाती है। छात्रों से मिलने के बाद अर्जुन चौटाला इनेलो के जिला कार्यालय पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमें पहले भी किसी पद की लालसा नहीं थी और आगे भी नहीं होगी। हमारी मॉरल विचारधारा राजनीति है। उन्होंने पार्टी छोड़ करके गए विधायकों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आयाराम गयाराम पर सख्त कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग खुद में नेता नहीं होते। वह पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ करके नेता बने थे। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से जो पार्टी छोड़ करके गए हैं उन्हें रिज़ाइन करना चाहिए और उनकी सदस्यता भी रद्द कर देनी चाहिए। दल बदलने वाले नेताओं पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। आप कहते हैं कि ये जो साजिश थी सरकार की, तो क्या कुछ है? आपने वो पत्र पढ़ा जी? तो उन्होंने खुद इस्तीफा दिया जी। इस्तीफा देने का मॉरल ग्राउंड सबसे बड़ा ये है कि हमने आज नहीं, हमने पहले भी कभी किसी पद की लालच नहीं जी। हमारी राजनीति विचारधारा की राजनीति है, जनहित की राजनीति है। अगर किसी पद का लालच होता तो ये आगे भी हम पहले रख लेते। एक बहुत बेसिक सी चीज़ है एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि बनाया गया था हरियाणा के अंदर भी और पूरे देश के अंदर भी, जो आयाराम गयाराम का जो सिस्टम है इसको बंद करने के लिए। क्योंकि जब कोई इलेक्ट होता है तो आप मान के चलो कोई भी पदाधिकारी, जब कोई भी MLA MP इलेक्ट होता है वो केवल अपने बल पे नहीं होता, उसको पार्टी के वोट्स भी मिलते हैं। और जब भी वो पार्टी के साथ दगा करता है तो जाहिर सी बात है उसने से पार्टी के साथ नहीं करी, जो वोटर्स उस पार्टी के साथ जुड़े उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर उसने उनके साथ भी उस प्रकार की दगा करी। तो एंटी डिफेक्शन लॉ उनके ऊपर लागू होना चाहिए, और क्योंकि वो लागू नहीं कर रही थी सरकार, इस वजह से मॉरल हाई ग्राउंड पे अभय सिंह चौटाले जी ने अपना इस्तीफा दिया कि भाई अगर तुम्हें ये लगता है कि मेरे को पद का लालच है तो ये उनका वहम है, हमें किसी पद का लालच नहीं है। हम यही चाहेंगे कि जिस तरह से विधानसभा चलनी चाहिए, जो विधानसभा के रूल्स हैं, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसको पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। और इसी लॉ के तहत जो गलत तरीके से पार्टी छोड़ के गए हैं उनको रिजाइन भी करना पड़ेगा, उनके जो सदस्यता है उसको भी रद्द किया जाएगा। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में और आईएसओ के गठन के बाद रेवाड़ी में हमारा पहला प्रोग्राम था, जहाँ पर हमारे जो नवनियुक्त प्रधान है यूनिवर्सिटी के, उन्होंने हमें छात्रों से मिलाया, सभी छात्र साथियों से मिले, छात्रा साथियों से मिले, और यूनिवर्सिटी की जितने भी प्रॉब्लम्स है, जो भी उनके इशूज़ है यूनिवर्सिटी, उसके बारे में हमने बैठ के उनके साथ डिस्कशन करी। और ये एक इंट्रोडक्शन था हमारे संगठन का, आईएसओ संगठन का, सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ। और बड़ी अच्छी बात देखने को ये मिली कि जितने मेल स्टूडेंट्स थे उससे ज़्यादा पार्टिसिपेशन इस सेमिनार में फीमेल स्टूडेंट्स की थी। महिला छात्राएँ काफ़ी बढ़ चढ़ के आई, और उन्होंने केवल वहाँ आए नहीं, उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया, उन्होंने अपनी बातें भी रखी, जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं आज के दिन उन प्रॉब्लम्स के बारे में भी उन्होंने डिस्कशन किया, और इसी विस्तार को हम आगे बढ़ाने का हम उनसे बात करके आए।